हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे एडवांस रोज बन, इंटरनेशनल बन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बैग में पोनी बना लेनी है। देन उसके बाद पफ के लिए सेक्शन निकाल लेना है। देन अब हम क्या करेंगे, इसमें बैग को हम करेंगे और पफ बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है। देन इसमें बैग कॉम करनी है, सॉफ्ट बैग कॉम करनी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैग कॉम नहीं करनी। देन स्प्रे करेंगे। देन वही सेम टेक्निक फॉलो करते चले जाएंगे, पूरे सेक्शन में सेक्शन लेते जाएंगे हॉरिजॉन्टल में। देन उसके बाद बैक कॉम करते चले जाएंगे। हमने सेक्शन ले, देन बैक कॉम किया, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैक कॉम नहीं करनी है। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो भी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। आप क्या करेंगे गाइस, अब इसको नीड करेंगे, हैंड से नीड करेंगे, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमने इसको नीड करना है। फिनिशिंग देंगे जो हमने बैक कॉम की है, बिल्कुल फिनिशिंग से काम करना है हमने। हल्के हल्के हाथों से कॉम चलाएंगे। देन अब इसमें हम क्या करेंगे, लेयर निकालेंगे सॉफ्ट हैंड से। जितनी आपको चाहिए, जितनी हाइट पे आपको चाहिए, आप उतने उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। ज़्यादा शार्प चाहिए तो आप ज़्यादा शार्प भी निकाल सकते हो, सॉफ्ट चाहिए तो सॉफ्ट भी निकाल सकते हो। लेफ़्ट साइड से भी हमें सेम वही प्रोसेस करना है। लेयर निकालते चले जाएंगे, स्प्रे करते चले जाएंगे, टेल को हम की टेल से शार्प करते चले जाएंगे। देन अब हमने क्या करा, स्प्रे किया, शार्प करते चले जाएंगे, फिंगर से शेप देते चले जाएंगे लेयर को। अब क्या करेंगे, इसको बॉब पिन से टाइटली टक कर देंगे, क्रिस क्रॉस करके। ये हमने राइट साइड लगाई पिन, ये हमारी अब लेफ्ट साइड लगा दी, ये हमारा क्रिस क्रॉस हो गया। अगर आपको लगता है कि और टाइट करना है तो और पिन भी लगा सकते हो आप बॉब पिन में, क्रिस क्रॉस करके लगाना है, याद रखिएगा गाइस। अगर आपको लगता है हमारी लेयर ख़राब हुई तो आप दोबारा ठीक कर सकते हो उसको। अब आ गए हम फ्रंट की तरफ। अब हमें क्या करना है, एक डैंगलिंग सेक्शन लिया हमने, देन फ्रंट वाला सेक्शन हमने सेपरेट कर दिया सेक्शन क्लिप से। अब ये वाला सेक्शन हम पीछे लेकर आ गए, बिल्कुल फ्लैट लेकर आना है। देन इसको क्या करना है, बॉब पिन से इसको टाइटली टक कर देना है पीछे की तरफ। ये हमने टाइटली पीछे की तरफ टक कर दिया। अब हम आ गए गाइस दोबारा फ्रंट की तरफ। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी हम क्या करेंगे, अब डायगनल सेक्शन लेंगे। ये हमने एक डायगनल सेक्शन लिया। देन अब हम बनाएंगे फ्रंट, स्प्रेड करते हुए चले जाना है पीछे तक, स्प्रे करेंगे। देन पीछे से हल्का सा उठाएंगे पीछे वाले सेक्शन को। देन क्या करेंगे, फिर जूड़ा पिन से हम इसको होल्ड कर देंगे। ये हमने जूड़ा पिन लगा दिया, हमारा सेक्शन होल्ड हो गया है। पीछे की तरफ से एस वेव टाइप बनाना है गाइस हमें। ये हमारा सेकंड सेक्शन है, इसमें भी वही सेम टेक्निक करनी है। डायगनल सेक्शन लिया, देन उसके बाद क्या करेंगे, हम स्प्रेड करेंगे। और याद रखना गाइस, जो नीचे वाला सेक्शन लिया है उससे ऊपर करना है, बिल्कुल मिलाना नहीं है इसमें, इसके ऊपर रखना है, फर्स्ट वाले सेक्शन से ऊपर रखना है, तभी इसकी लुक आएगी, अदरवाइज लुक नहीं आएगी। अगर आप मिला दोगे तो बिल्कुल सेम कर दोगे। वही सेम टेक्निक, पीछे से की तरफ से उठाया, देन उसको हमने जूड़ा पिन से होल्ड कर दिया। ये हमारा थर्ड सेक्शन है। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें स्टील की क्लिप लगाई हमने, होल्डिंग के लिए लगाई है स्टील की क्लिप। देन पीछे की तरफ से स्प्रेड करते हुए आ गए। अब इसको भी सेकंड वाले के ऊपर रखना है, स्प्रे करेंगे, नीड करेंगे अच्छे से, टेलकॉम की टेल से शार्प करेंगे। देन इसको भी वही सेम टेक्निक करते हुए पीछे से उठाते हुए जूड़ा पिन से होल्ड कर देंगे इसको भी। आपको सेम टेक्निक करते हुए चले जाना है फ्रंट में, जितने भी आपके फ्रंट बनेंगे अब बिल्कुल सेम टेक्निक, यही प्रोसीजर फॉलो करते हुए चले जाना है, ऐसे ही बनाते चले जाना है। बिल्कुल स्प्रे करते रहेंगे, छोटे छोटे बालों को बिठाते रहेंगे, जहाँ आपको लगे कि उठ रहे हैं बाल उनको बिठाते रहेंगे। ये हमारा फोर्थ सेक्शन है, इसमें भी वही सेम टेक्निक करनी है आपको।
अब गाइज हमारे सारे सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। देन इसमें हम क्या करेंगे, इसको टाइटली बॉब पिन से लॉक करना है क्रिस क्रॉस में। ये हमने बॉब पिन लगाई टाइटली। आपका याद रखिए कि आपका फ्रंट ना ख़राब हो, इस तरह से लगाना, क्रिस क्रॉस में लगाना है। एक नीचे से लगानी है, एक ऊपर से लगानी है पिन। ये हम आ गए हैं लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में भी वही सेम टेक्निक करनी है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक डायगोनल सेक्शन लिया, देन इसको फ्लैट सेक्शन को बॉब पिन से लॉक कर देंगे सिंपली। इसको हमने बॉब पिन से लॉक कर दिया। देन अब इसमें क्या करा हमने, फ्रंट भी वही सेम टेक्निक करते हुए चले जाना, जैसे राइट साइड किया ऐसे ही लेफ्ट साइड करते हुए चले जाना है आपको, सेम टेक्निक फॉलो करते हुए चले जाना। ये हमारा लास्ट सेक्शन है, इसको भी हमने स्प्रेड किया। देन इसको भी हमने क्या किया, जूड़ा पिन से होल्ड कर दिया। अब इसमें भी क्या करेंगे गाइस, जब हमने नीचे की बॉब पिन, नीचे की तरफ बॉब पिन लगाई, इसमें भी सेम वही टेक्निक करेंगे। इसमें भी हम टाइटली बॉब पिन से इसको लॉक कर देंगे। ये हमने बॉब पिन ली और हमने टाइटली लॉक कर दिया, फ्रंट ना ख़राब होगा गाइस हमारा, बस इसी बात का ध्यान रखना। अब क्या किया गाइस, अब हमने जो भी हमारे फ्रंट के हेयर आए थे तो हमने क्या किया, इसका बेस बना लिया, गुथ बना ली, 3 लेयर की प्लेट बना ली हमने। देन इसको बेस बनाएंगे हम, डोनेट भी यूज़ कर सकते, आप डोनेट भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके बाल कम हैं। अगर हमारे बाल ज़्यादा तो हम इसी का ही बालों का बेस बना देंगे और इसके राउंड राउंड कर देंगे। ये हमने राउंड कर दिया, बेस बना दिया, डोनेट की तरह कर दिया। ये हमने जूड़ा पिन से लॉक कर देंगे इसको टाइटली। ये हमने जूड़ा पिन से लॉक कर दिया। अब क्या करना है गाइस, अब बनाएंगे हम मेन रोल्स। ये हमने एक सेक्शन लिया, देन इसमें हमने क्या किया है, बैक कॉम करेंगे हल्की हल्की। पहले स्टील क्लिप लगाई, देन इसको स्प्रेड किया हमने, हल्की हल्की बैक कॉम करेंगे, ज़्यादा दूर तक नहीं करेंगे, पास तक ही करेंगे, 4 उंगली तक, आप नाप के देख लो ना, 4 उंगली तक बैक कॉम करेंगे। देन इसको नीड करेंगे, फिर स्प्रे से हार्ड करेंगे थोड़ा इसको लेयर को। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम बनाएंगे रोज़। ये हमने सेक्शन क्लिप हटा दिया। देन क्या करेंगे, हमने एक फिंगर पे लिया, देन इसको राउंड घुमा दिया फिंगर पे, और इसको स्टील की क्लिप से जो हमने अभी उतारी है उसी से ही लॉक करेंगे इसको। और पहले आप जूड़ा पिन से भी लॉक कर सकते हो इसको नीचे, जो हमारा नीचे का बेस है इसको हमने पहले जूड़ा पिन से लॉक किया, देन इसके बाद हमने स्टील की क्लिप लगा दी ताकि हमारा होल्ड रहे सेक्शन। ये हमारा गाइस सेकंड सेक्शन है, इसमें भी वही सेम टेक्निक करते हुए चले जाना है आपको, सेम वही चीज़ फॉलो करनी है आपको, रोज़ बनाना है आपको पूरे में, कम्प्लीटली पूरा कवर करना है ये जो हमारा बेस बना हुआ है, इसको रोज़ से ही कवर करेंगे हम सारा। ये हमने फिंगर पे टर्न किया, देन अब इसमें हम क्या करेंगे, स्टील क्लिप लगाई, जूड़ा पिन से होल्ड करते हुए चले जाएंगे गाइस। इसमें सेम वही टेक्निक करते हुए चले जाना है, कुछ और अलग नहीं करना है इसमें, जो मैंने आपने टेक्निक देखी है फर्स्ट रोज़ में, देन उसमें सारे रोज़ में ऐसे ही सेम टेक्निक करते हुए चले जाना है आपको।
ये देखिए गाइस, ये हमारा फाइनल लुक है। कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। ओके गाइस, मिलते हैं फिर जल्दी नए हेयर स्टाइल के साथ जल्दी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।